कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के 10 से अधिक राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके बावजूद लोग लगातार घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती जताई है। पीएम ने लिखा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारी कानून का पालन करवाएं। केंद्र सरकार की तरफ से अब एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। लॉकडाउन की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 से अधिक राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। लेकिन सोमवार सुबह जो स्थिति देखी गई उसमें कई जगह लोग सड़कों पर दिखे। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पर तो सोमवार सुबह ही जाम लग गया था। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। लॉकडाउन से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था उसमें भी कई लोग सड़कों पर नजर आए थे। शाम 5 बजे जब डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त करने के लिए जो थाली और ताली बजाई गई, उस दौरान कई शहरों में लोग सड़कों पर आए और रैली निकालकर तालियां बजाई। इसी के बाद लॉकडाउन को देश के अन्य राज्यों ने भी लागू कर दिया था। बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, साथ ही धारा 144 लगाई गई है ताकि एक जगह लोग इकट्ठा ना हो। अगर देश के मामलों की बात करें तो अभी तक भारत में कोरोना वायरस के 400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि देश में 8 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हुई है। इस दुनिया की ताजातरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।